अस्सलाम वालेकुम साथियों, कपड़ों का पार्सल आया तो बहुत से साथी जो हैं वो हमें लिखते हैं कि हम भेजें कि क्या हमने बनाया है, क्या मंगवाया है। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये ऐवान मियाँ की शलवार कमीज़ आई हैं बहुत सारी, और ये ख़ान मियाँ ने मियाँ साहब के लिए बना के भेजा है सूट। और क्या नफीस इसकी सिलाई है, आप ये देखें, ऐसी सिलाई आजकल मिल जाना कमाल है। तो जहाँ से वो अपने सिलाते हैं उन्होंने मियाँ साहब के लिए वहाँ से सिलवाया है। और ये देखें, ये है बेटी का, बहुत ही प्यारा, करीब से दिखाना बेटी कैसा काम है इसके ऊपर। ये देखें इसका काम, देखा, ये बनते हैं 600 के दो, बीच में उसमें शामिल है शिपिंग भी DHL की, बहुत खूबसूरत। तो इनके साथ आपने अगर लिलन का एक दो जोड़े लेने हो, एक दो मरीना के लेने हो, तो वो भी ले सकते हैं। 75 का मरीना का पड़ता है और 65 का लिलन का पड़ता है। तो आप जैसे ये दो ड्रेस अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो उनके साथ आप इस तरह से एक दो जोड़े जो है लिलन और मरीना के डब्बे में डलवा सकते हैं। चूँकि DHL को हम देते हैं 5 किलो का पैसा, और उसके साथ ये चूड़ीदार हम बनवा लेते हैं कि कभी बच्ची ने पहनना हो नीचे, तो अगर ऊंचा जैसे पिशवास के तौर पर पहनना हो तो ये 7 दुपट्टा है। देखिए इसको कितना खूबसूरत पीको हुआ है। तो जो असल रंग हैं वो आपको कतन नहीं दिखाई देंगे, दूर से मुमकिन है थोड़ा बहुत पता लगे, लेकिन असल कलर जो है वो इससे कहीं ज़्यादा डार्क है। हकीकत में काफ़ी अनारी, काफ़ी खूबसूरत सा ये कलर है। और ये अम्मी का जोड़ा, टिपिकल अम्मी की पसंद, ये गुलाबों वाला काली ज़मीन वाला, ये बस बहुत खुशी से पहनती है। ये देखें ये प्रिंट जो है ये इस वक्त वैसे अवेलेबल भी, और बेहतरीन कपड़ा, ये देखें तो सही, आप मरीना है भारी, और ऐसा नहीं होता, मरीना को लोग समझते हैं कि मोटा कपड़ा है या ऊन मिली हुई है उसमें या किसी चीज़ का ब्लेंड है, वो प्योर कॉटन है, 100% कॉटन। और पाकिस्तान में शायद 1300 रुपया एक गज पे ड्यूटी है इस पर, इम्पोर्ट पर कॉटन की, कॉटन बहुत महंगा, तो आपको कभी भी प्योर कॉटन नहीं मिलता इस फॉर्म में जिस तरह का इसमें फ्लो है। तो ये पतला जिस्म को दिखाने वाला कपड़ा है और मॉडरेट वेदर से ठंडे वेदर में चलने वाला कपड़ा है, लेकिन आम मौसम में जैसे आजकल का भी मौसम है हम मरीना पहन सकते हैं। तो ये नहीं कि मरीना सर्दी का ही है, स्वेटर नुमा कपड़ा नहीं है, मोटा कपड़ा नहीं है, आम कंफर्टेबल कपड़ा है, लेकिन सर्दियों में भी ये बहुत आराम देने वाला है। और ये वाला जो है ये बेटी का आया है ड्रेस, ये देखिए ये भी मरीना, साथ लगा के दिखाना बेटा ताकि पता लगे इसका डिज़ाइन। और ये देखिए, और बिल्कुल 3D की तरह इसका इसकी लुक है कपड़े की। और बटन देखें जरा, जो लगाए हैं, हाय हाय, बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, दिल से काम करते हैं, ऐसा काम नहीं करते कि डॉजी काम हो। और कपड़ा भी इनके साथ हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यही है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैब्रिक, चाहे जो मर्जी हो, उसकी क्वालिटी में कमी ना हो। तो क्वालिटी में आप इसको बीट नहीं कर सकते कपड़े को। ये देखें 3D की तरह का इसका प्रिंट है, और ये 10 साल भी धुलेगा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बेहतरीन मरीना। तो मरीना की एक बहुत बड़ी पहचान ये भी है, कोई कोई होता है 100 में से एक जो नीचे से सफ़ेद ना हो, लेकिन ये कपड़ा नीचे से ऐसे वाइट होता है और बिल्कुल सिल्की की तरह। और ये हमने जो कपड़े बचा बचा के सारी ज़िंदगी अपने लिए रखे हुए थे, दर्जी मियाँ ने सारे बेटी के बना दिए, अब एक से एक उसने लॉन्ग ड्रेस बना के भेजा है और हमने कहा हो हो, हमने संभाल संभाल के रखे हुए थे, ये तुमने बना दिए। दिखाना इधर से करीब से, ये देखिए उसने जो लेस लगाई है कितना फैशनी ये बनाया है, और बेल स्लीव्स करके थोड़ी सी, और ये इधर शोल्डर्स पे लगाई, और कलियों वाला है खूब सारा फ्रंट ओपन, बहुत प्यारा। तो आप चाहें तो मैटरनिटी रेंज बना लें, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बना लें, तो ये सारे कपड़े जो हैं ये उस तरह काम आएंगे। प्यारा बना है, खूबसूरत बना है, और कपड़ा फॉल देखिए आपने कैसे झूलता है, ये इसको भी बटन उसने बहुत प्यारे लगाए, बहुत खूबसूरत लगाए, ये देखिए बहुत प्यारे बटन। हमें अच्छे बटन बहुत अच्छे लगते हैं कपड़ों पे, और हमारे दर्जियों को हम हमेशा ही कहते रहते हैं कि ढूंढो बटन, ढूंढो बटन, अच्छे बटन लो। तो हमने उनको रिसेंटली कहा कि होलसेल मार्केट जाएं, क्योंकि बटन बहुत ही महंगा है। और ये भी बेटी का लॉन्ग ड्रेस दिखाना, इसमें लेस भी दिखाऊं करीब से, और इसके बटन ज़रा आप देखें,
सांप की तरह, और बेल जो लगाई है खूबसूरत, और कपड़ा देखिए क्या हसीन, भारी है, ऐसे खींचने में भी, ऐसे हमने ऐसे खींचा है तो भारी लगा है, लेकिन बहुत खूबसूरत प्रिंट, और सही जो वो तस्वीर हैं ऑनेस्टली वो जस्टिस नहीं करती इन प्रिंट्स के साथ, ये इतने खूबसूरत हैं, और ये इनको इस्त्री की मुसीबत नहीं है, जैसे आप धोएंगे डालेंगे तो ये सीधे हो जाएंगे, हमारी गोद में इमाद मियाँ हैं। तो ये जो फोटोज वहाँ पर खींची हुई होती हैं पाकिस्तान में, वो तो कुछ भी नहीं एक तरह से दिखाती हैं, तो ऐसे ही डॉजी सी चीज़ दिखाती हैं, और हमारे यहाँ ये कपड़ा जो है लोग लेते ही इसलिए, बल्कि बहुत से तो कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो देखते ही नहीं कि प्रिंट क्या है कैसा है, बस उन्हें पता है कि कपड़ा बेहतरीन होगा। अम्मी ने सारी ज़िंदगी जब अम्मी शॉपिंग गई हैं तो हमेशा कपड़े को हाथ लगा के देखा है, तो हम कहा करते थे कि अम्मी ब्रांड देखा जाता है कि कहाँ का बना हुआ है, किसका बना है, इसका कपड़ा थोड़ी देखते हैं, लेकिन अब हमें समझ आई है कि अम्मी सारी ज़िंदगी कपड़े को छू के क्यों देखती थी, इनको छू के अंदाज़ा होता है कि कपड़ा किस क्वालिटी का है। तो ये लोग जो हैं ये हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़ा देते हैं, और जो फिर ये हमसे कीमत मांगते हैं हम इनको देते हैं, क्योंकि हमने इनको कह रखा है कि हमें दरमियाना या अदना कपड़ा नहीं चाहिए, हमको प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक चाहिए। तो ये सारा जो है ये प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक है, चाहे आप मरीना लें चाहे आप लिनन लें, 10 साल ये कपड़ा धुलेगा लेकिन ये हिलेगा नहीं, बहुत ही प्यारा। ये देखें तो तस्वीरें इन्होंने ऐसे ही मोबाइल्स वगैरह से ली होती हैं, और सही उसमें रंग भी नहीं दिखते, क्वालिटी भी नहीं दिखती, लेकिन हमें नहीं पता था वाकई उन तस्वीर को देखते हुए कि ये इतना खूबसूरत प्रिंट होगा, बहुत ही प्यारा। और ये पता नहीं उन्होंने जो इसके नीचे पट्टी लगाई है, हम हमेशा कहते हैं चॉकलेट कलर, लेकिन हमें आमतौर पर चॉकलेट कलर दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत ही अच्छी पट्टी जो है लगी है, और ये हमारा कोट है ये हमने अपना बनवाया है कोट, बाहर जाने लगे हम पहनते हैं, और ये कपड़ा हमारा नहीं है, हमने भी कहीं से मंगवाया है ये, ये देखें। तो हमको इस तरह के कोट्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हमारे पास बहुत हैं ये बने हुए, और हल्के हैं बिल्कुल गर्मियों के, तो ये अजीब मलमल सी क्रिंकल चिकन सी है ये जिसका ये बना हुआ है, इसमें बहुत से कलर थे, लेकिन जिस गोदाम में ये कपड़ा था वो उठ के हमें दिखाना भी पसंद नहीं कर रहे थे, तो मुश्किल से ही हमने ये एक दो कलर्स जो हैं उनसे हासिल किए। तो ये जो कपड़े इसने पहने हुए हैं ये कोई 3-4 साल तो पुराने होंगे, मेरे ख्याल ये पहली दूसरी लॉट ही जब आई थी पाकिस्तान से, जब भी बनवाए थे, और हम तो इससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि ये हिलता नहीं, ना इसका रंग कभी ख़राब होता है, ना इसकी क्वालिटी कभी पुरानी लगती है, ये बस जान नहीं छोड़ते आपकी, यूँ समझें ये कपड़े इतने आला कपड़ा है। तो ये फिर हमने पहले निकाला कि किसी को दे दें, लेकिन फिर हमने वापस रख लिया, क्योंकि बहू को ये बहुत पसंद है, नरम सा खुला सा, तो बहुत प्यारा इसका कट है, ये देखें नीचे से, ये देखें कितना प्यारा इसका कट है, बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ, इस पर सूट भी करता है, ये पहनती भी ऐसे है, और ये वाला भी शायद बहू का है, ये भी इसकी पसंद का कलर। ये धो के इनको फैलाएंगे बाहर तो ये सीधे हो जाएंगे। तो ये देखें आप, ये कलर देखें आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये कलर इसी तरह पर दिखाई देता है, आपको पता ही नहीं चलता रंगों का कि कौन सा कलर है, बाज़ दफ़ा कस्टमर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, हम आपको इसका रंग दिखाएं कैसे पता लगेगा। ये देखें जब आप इसको वाइट के साथ रख देंगे या लाइटर कलर के साथ रख देंगे वो फिर इसका कलर सही आपको दिखाएगा। तो ये जो कलर है बिला शुबा ये उससे इस तस्वीर से कहीं ज़्यादा डार्क है, और ये देखें ये हमारा बाबा आदम के ज़माने का हमने रखवाया हुआ था ये, तो अब ये बन के हमारा आया है। ये प्रिंट हमको बहुत ही प्यारा लगा था, बहुत ही हमने बेचा नहीं था, थोड़ा सा ही टुकड़ा था तो ये हमने अपने लिए रखवा लिया था, और ये इसके साथ की शलवार। तो हमें मेनली वो कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं जो खुले डुले हों, कि हमें तंग ना करें, वैसे भी कराची की जो सिलाई है उसमें फिटेड कपड़ा कम ही होता है, और ये वाला शायद बेटी का, ये देखिए इसको खोल के भी बेटे दिखा सको, ऐसे पकड़ के दोनों तरफ से, ये देखिए ये है बेटी का ड्रेस जो बनवाया बड़ा, जो ये बनता है 120 US डॉलर्स का किसी भी पैकेज के साथ हम ये देते हैं। यूरोप में तो आजकल काफ़ी मसाइल हैं भेजने के, कि वो 5 किलो से ऊपर फिर 6-7 किलो का पैसा नहीं ले रहे हैं, वो फिर 5 किलो से जाते हैं 10 किलो पे, लेकिन इसका आप कपड़ा देखें कि कोई कह नहीं सकता कि ये रेशमी कपड़ा नहीं है, प्योर कॉटन है लेकिन बिल्कुल रेशमी की तरह है। और ये वाला किसका है, ये भी बेटी का, तो ये आधी आस्तीन बहुत पसंद करती है, ये भी खोल के दिखा दो, ये देखें
क्या हसीन ये प्रिंट्स हैं। और ये इसमें शायद छोटा वाला तो प्रिंट अभी नहीं है, ये जो जिब्रा सा प्रिंट है इस तरह का है, तो उसके साथ कोई भी मैचिंग जो है वो लगाया जा सकता है। और इस तरह की जो लॉन्ग ड्रेसेस हैं या पिशवास नुमा हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो बेसिक डील्स जो हैं वो तो वहाँ पर मौजूद हैं, उसमें जो भी आपने ऑल्ट्रेशन करनी हो एक्स्ट्रा पेमेंट करके वो आप कर सकते हैं। तो ये कपड़ा भी देखें, बिल्कुल ऐसे रेशमी की तरह ही कपड़े हैं ये, ऐसे छू के भी आपको पता लगता है कि क्वालिटी फैब्रिक है। ये भी देख लें आप, एक तरह से सारा ये बटनों वाला है, फ्रंट ओपन है, तो जो फीडिंग मॉम्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला हमारा बॉर्डर वाला, हमारे ख्याल में ये सोल्ड आउट है, तो ये हमने अपनी पसंद का बनवाया है, वही चोंचे लटकने वाला। जब इसका स्टाइल नया नया आया ज़माने में तो हमें इतना बुरा लगा कि ये क्या लोग पहन रहे हैं। और ये जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी कंफर्ट का हमें पता लगा, क्योंकि इसकी जो कमर है उसकी सिलाई अंदर को नहीं होती है, देखें बिल्कुल यहाँ से अंडर आर्म से ये बिल्कुल बाहर को ही कट जाता है, इस तरह पर इसकी होती है सिलाई, तो ये बिल्कुल थैला ही होता है जो आप पहन के फिरते हैं, तो हमें ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बिल्कुल दुपट्टे की तरह, मलमल के दुपट्टे की तरह का कपड़ा है, बारीक और खूबसूरत। और इसके भी कलर्स जो हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे हकीकत में। और ये वाला, ये भी बेटी का, इसको भी खोल के दिखा दो, बेटी का किसका है? ये देख, इतनी छोटी है घर जी कमरा ये देखें आप क्या प्यारा बना है। ये भी खत्म है प्रिंट, लेकिन बहुत खूबसूरत बनाया है उसने। ये देखें, उसको हमने कहा था कि ये जो जोड़ है इसकी फ्रिल ऊपर रखी, तो सारे की फ्रिल्स जो है वो ऊपर हैं। बटन भी उसने ये देखें आला लगाए इस बार, बहुत प्यारा। और इसमें कपड़ा बहुत लगता है, इसमें 250 सूट का तो कपड़ा लग जाता है, तो इस वजह से ये काफी कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसमें फ्रिल पर जो फ्रिल है, आप ये देखें पहले फ्रिल का कपड़ा होगा और उसके बाद जो अगली फ्रिल लगेगी वो उससे बड़ी होगी, तो कपड़ा बहुत लगता है। और ये देखिए, ये बेटी का, ये भी हमने अपने लिए रखा हुआ था। और ये साहिब जो हैं, ये सारे बेटी पर मेहरबान हो गए और सारे कपड़े उसके बना दिए। इसको खोल के दिखाना, ये हमारी स्टैंडर्ड जो लॉन्ग ड्रेस की फ्लेयर है वो ये है, बिल्कुल स्टैंडर्ड। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, लेस वगैरह सब फ्री है, डोरी पाइपिंग स्टैंडर्ड है, तो ऐसा डॉजी कोई कपड़ा नहीं बना हुआ कि प्रॉपर डोरी पाइपिंग के साथ ना हो। तो अच्छा दिल से बना हुआ कपड़ा होता है जो यहाँ पर बनाते हैं। ये टैग्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये तो जेट ब्लैक है, चमकता है चूंकि ये कपड़ा, जब से बिजनेस शुरू हुआ ये प्रिंट अपने लिए रखा हुआ था, तो ये भी उसने बेटी का बनाया, तो इसको भी ये बहुत पसंद था, बहुत खूबसूरत मरीना। और ये वाला हमारा पूरा कलियों वाला, ये देखिए, ये भी हमने छुपा के रखा था, ये थोड़ा सा ही था, लेकिन जब उसने ये लगाई है लेस तो हमें हुआ कि हरा ज़्यादा दिखना चाहिए, हरा क्योंकि लेस के नीचे आ गया तो थोड़ा दिखता है, लेकिन ये इतना खूबसूरत प्रिंट था कि हर दूसरे कस्टमर ने कहा है उसको चाहिए। ये थोड़ा ही था कपड़ा, आते ही कुछ तो हमने अपने लिए रखवाया और कुछ हमने फिर ये उसी वक्त सेल कर दिया था, तो 5 मिनट में बिक जाने वाला प्रिंट था ये। और ये वाकई बनाया भी बहुत हसीन टेलर्स ने, कि पूरा कलियों में इस तरह पाइपिंग देकर बनाया। और ये वाला जो है ये भी हमारा है, ये भी हमने बहुत अरसे से संभाल के रखा हुआ था। ये प्रिंट भी मरीना का पुराना प्रिंट, जब से ये बिजनेस शुरू हुआ जब से ये बनाया, तो ये पिशवास की हमारी जो स्टैंडर्ड फ्लेयर है वो ये होती है कि आप जब बनाएं ये कपड़ा, जो स्टैंडर्ड सूट है उसमें आप अगर $15 एक्स्ट्रा दें तो आप उसको इस तरह का सूट बना सकते हैं, फ्रॉक नुमा, जो कि समझें कॉस्ट पे पड़ता है हमको। लेकिन ये बिजनेस जो है ये मेनली इसलिए नहीं है कि हम पैसा बना सकें, बल्कि इसलिए है कि बेहतरीन कपड़ों, कपड़े से, सादे कपड़े से, ड्यूरेबल कपड़े से, प्योर कॉटन से हम दुनिया को इंट्रोड्यूस कर सकें और लोगों को ये सहूलत रहे कि वो अपनी मर्जी से बनवा सकें। ये वाला देखें ज़रा, ये भी हमारा ही था और आस्तीने इसकी, और ये देखें इसकी फ्लेयर मरीना, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आस्तीने दिखाऊं। और इसका गला शला देखें ज़रा आप, क्या फैंसी शैंसी गला बना। बटन तो इतने ठीक हैं लेकिन अच्छे लगे हुए उसके हिसाब से, और पूरी पफ वाली आस्तीने बनी। और इसको बेटी को सूट भी बहुत करती हैं। ये भी बेटी का बहुत ही प्यारा, ये देखा कपड़ा कैसे झूलता है, हसीन और खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और ये इसका गला दिखाएं, ये देखिए गला देखा कितना प्यारा बनाया है ये अंगड़ाई
ये जो इमाद मियां हैं ये उठ गए, नोई कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अब। तो ये तो थे हमारे कपड़े सारे जो बॉक्स में से निकले, ये खाली हो गया और हमें पता ही नहीं था कि ये खाली हो गया। बहू गई तो हम समझे कि वो खाना बना रही है, वो उसको हिलाने के लिए गई है, लेकिन वो जाके देखा तो कहने लगी कि कपड़े तो बॉक्स में से ख़त्म हो गए। तो हम इमाद को गोद में लेकर बैठे हुए थे तो बहुत ही प्यारी लौट आई, हमें तो बहुत अच्छी लगी, सारे ही एक से बढ़ के एक लगे। और सारे मोस्टली जो हमने अपने लिए छुपा छुपा के रखे हुए थे वो दर्जी मियाँ ने बेटी के लिए सी दिए हैं। तो इतना तो वक्त ही नहीं होता हमारे पास कि हम बता सकें कि कैसा करना क्या करना, तो बस जब उनको कपड़ा अपने लिए भिजवाओ कि ये हमारा है तो वो जिसका मर्जी फिर सी देते हैं। लेकिन शुक्र है ये वाला जो है ये हमको मिल गया, बहुत खूबसूरत बना, बहुत प्यारा बना। तो इस तरह के प्रिंट्स जो हैं वो आते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट आते हैं, तो हर वक्त कोई ना कोई आला एक दो प्रिंट्स जो हमारी पसंद के मौजूद होते हैं और हम फिर उनको लिए चले जाते हैं। तो देखा आपने, ये हमारी सारी लॉट है जो इस दफ़ा पाकिस्तान से आई है। तो खुदा करे कि आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।